इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से। रायबरेली के महाराजगंज रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार अनियंत्रित बुलेरो धान से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में 9 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद तेज रफ्तार बुलेरो रोड के बगल पानी से भरी खाई में पड़ गई। सूचना पर पहुंची कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद, तो वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सभी को निकाला बाहर। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पहुंचाया CHC बशरावा। बशरावा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर पेट्रोल पंप के पास की घटना। ये खबर रायबरेली से भारत टीवी इस वक्त आपको दिखा रहा है, जहां पर महाराजगंज रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कि महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल तेज रफ्तार अनियंत्रित बलेरो धान से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा। फिलहाल सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को CHC बशरावा पहुंचाया है। बशरावा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है ये घटना। रायबरेली से भारत टीवी के लिए सर्वेश यादव की रिपोर्ट। मामला आया हुआ है का, क्या मामला है? अभी लगभग 8-10 लोग आए हैं यहाँ पे। जी मैं डॉक्टर प्रियेश जी शनू CHC बचरावा में। जी जी अभी यहाँ पे एम्बुलेंस से 8-10 लोग आए हैं, एक्सीडेंट हुआ है। जी और इसमें 3 लोग मृत हैं। जी और बाकी सबका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और रिफर कर दिया गया है। कितने लोग रिफर हुए हैं सर? रिफर हुए हैं 8 लोग होंगे। 8 लोग रिफर हुए हैं, जिला अस्पताल रिफर हुए हैं? नहीं, इनको ट्रॉमा टू के लिए रिफर किया गया। क्या नाम है सर उनका? मैं सबका नाम, उसमें एक रामलली है जो काफी सीरियस है, अशोक कुमार है, अनंत है सर। जी जी ठीक है सर।